गौरी बाहर आओ। मैं ऋषिका हूँ, गर्व का पहला प्यार। नहीं, ऋषिका नहीं हो, ऋषिका तो मर चुकी है। हमने इंटरनेट पर पढ़ा था, ऋषिका की तो कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हाँ, तुम सच कह रही हो, ऋषिका मरी नहीं है, बल्कि उसे मैंने मारा है। क्योंकि मैं तो एक गायन हूं। शिकार बनी ऋषिका, जब वो इस घर की तरफ आ रही थी तब मैंने उसका शिकार कर लिया था, और फिर मेरी नजर पड़ी गर्व की तस्वीर पर। उसके बाद मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। जब तक मैं गर्व को अपनी दुनिया में लेकर नहीं जाऊंगी, तब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम गर्व जी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। हमारे आज की सच्चाई के सामने तुम्हारी बुराई जीत नहीं पाएगी। हमने भोलेनाथ को साक्षी मानकर उनके साथ आज फेरे लिए हैं। शैतान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, भगवान के सामने एक तिनके के बराबर होता है। तुम्हारी सच्चाई सबको बता देंगे। जाओ बताओ, कर लो कोशिश। Thank you.
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ जी के मंदिर का भभूत है, इसमें इतनी अच्छाइयां है ना कि तुम्हारे जैसी डायन और तुम्हारे जैसी बुरी ताकतें इसके सामने कभी जीत नहीं पाएंगी, कभी नहीं। जय भोलेनाथ। रुको, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरे साथ साथ गर्व भी खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि गर्व की जान इस पत्थर में है। और ये पत्थर मुझ में समाया हुआ है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ गर्व भी मर जाएगा। नहीं, अब फेंक भभूत, फेंक। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कुछ मत करना। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं ये पत्थर तोड़ दूंगी। फिर गर्व भी खत्म, तेरा सुहाग भी खत्म, तेरा स्वाभिमान भी खत्म, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस बचेगी तू विधवा गौरी। नहीं। ये गुस्सा अपनी आंखों में ही रख, इसे बाहर मत निकाल, वरना गर्व की जान को भी उसके जिस्म से बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि मैं डायन हूं और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गर्व जी,
आज आपके होते हुए इस घर में हम पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो ऋषिका आपकी जान लेना चाहती थी और हम चाह कर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, उस डायन को हराने का कोई रास्ता दिखाइए। गौरी, मुझे हराना तुम्हारे बस का नहीं है। गर्व को मैं किसी भी कीमत पे अपना बना के रहूंगी। एक तो ऋषिका के अंदर हमारे गर्व जी की जान बसती है, उसको तकलीफ देने का मतलब है अपने गर्व जी को तकलीफ देना। आखिर हम करें तो क्या करें? नहीं गौरी, तुम हार मान के नहीं बैठ सकती। हम कुछ भी करेंगे लेकिन यूं लाचार नहीं बैठेंगे। हमारे मांग का ये सिंदूर कर्ची को हमसे कभी अलग नहीं होने देगा। चुड़ैल से इंसान कभी जीत नहीं पाया है गौरी, गर्व मेरा हो के रहेगा। कल ही पंडित जी से मिलेंगे और ऋषिका को हराने का कोई तो उपाय ढूंढेंगे। हम अपनी जान आग में झोंक देंगे लेकिन गर्व जी और अपने परिवार पर ऋषिका की बुरे साए की आज तक नहीं आने देंगे। मैं भी देखती हूँ गौरी, तुम मुझे कैसे रोकती हो। बिंदा, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। आवाज तो आ गई पर उस चुड़ैल के बारे में अगर हमने किसी से बताया तो वो हमारी जान ले लेगी। हाँ दे 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 दे, हमारी 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 आवाज वापस आ गई दीदी। अब जाओ और सो जाओ वरना आवाज फिर से चली जाएगी। जाओ दीदी। दीदी, अरे अरे बिंदा, अरे क्या हुआ? तुम एक नंबर की न डायन हो। अरे हमरे सक्कू के कमरे में इतनी रात को काहे उसके माथे चढ़ रही हो? जाओ जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं नहीं नहीं, वो काहे नहीं दीदी, अनिका के पापा ना बाहर गए। हमको बहुत डर लग रहा। हाँ हाँ, हमको डर लगेगा, हम आपके साथ चिपक के सोएंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। हाँ हाँ ठीक है, चिपक जाना, पर अभी तो अपने कमरे में जाओ। जा। नहीं दीदी। बिंदा जाओ। दीदी जाओ। अरे जाओ आराम करो, सको को भी आराम करने दो। सको ये देखो, हम तुम्हारे लिए ना एकदम गर्मा गर्म दूध लेकर आए। लो। पर हमारी तबीयत तो बिल्कुल सही है। सही कहाँ है? देखो कभी पैर में मोच आ जाती है, कभी बुखार चढ़ जाता है, ये सब ना कमजोरी के लक्षण है। हम ना तुम्हारे लिए मसाले वाला दूध लेकर आए, एकदम गर्मा गर्म ले लो। दूध तुम्हें ताकत नहीं, आफत देने वाला है सक्कू, क्योंकि ये दूध तुझे अंदर से कमजोर कर देगा और अगली अमावस तक हम रोज तुझे धीरे धीरे कमजोर करते रहेंगे, जिसके बाद हम तेरे खून से लिखेंगे अपने मोहन की नई कहानी। ला। पंडित जी, हमें उस डायन से लड़ने का कोई उपाय बताइए। डायन को हराने का उपाय जानने के लिए हमें एक पूजा का आयोजन करना होगा, जो हमें बताएगी डायन कितनी ताकतवर है और हमें उससे कैसे लड़ना है। जी पंडित जी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये लो बेटी, इसे यहां रख दो। जी। अर्यं अर्यं
इसमें तो काला पानी है। वो डायन कोई मामूली नहीं बल्कि एक काली शक्ति है जो 250 सालों से भटक रही है। उसके अंदर अपार शक्तियां हैं। वो डायन सही कह रही थी, उसने गर्व को अपने वश में कर लिया है। अब हमें एक एक कदम संभाल कर उठाना होगा। हमारा एक भी गलत कदम गर्व की जान ले सकता है। पंडित जी, हमें कैसे भी करके गर्व जी की जान बचानी, चाहे उसके लिए हमें अपनी ही जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। हम अपने सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। एक ताबीज तुम पहनो जी। और ये दूसरी गर्व को पहना देना। ये ताबीज जब तक तुम दोनों के गले में रहेगी, इशिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी पंडित जी, शुक्रिया। बाकी इशिका से जिंदगी भर के लिए छुटकारा कैसे मिलेगा वो हम तुम्हें आगे बताएंगे। जी पंडित जी, शुक्रिया। कल्याण हो। गौरी कहाँ थी तुम? सॉरी, वो हम थोड़ा काम से बाहर गए थे। इट्स ओके। अच्छा काम करो, मेरा टिफिन रेडी कर दो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हम टिफिन लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये पंडित जी का दिया हुआ पवित्र धागा पहन लीजिए, ये आपकी रक्षा करेगा। गौरी यार, तुम्हें पता है ना मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, फिर क्यों ले आती हो मेरे लिए सब? दर्ज अब हमारे लिए पहन लीजिए ना, ये आपकी रक्षा ही करेगा। तुम मानोगी नहीं ना? हम पहना देते। मुझसे दूर रहा करो, समझी? ये तावीज जब तक तुम दोनों के गले में रहेगी, रिश्का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पंडित जी का दिया हुआ पवित्र ताबीज तो टूट गया, अब हम गर्व जी को उस ऋषिका के काले साए से कैसे बचाएंगे? जब तक मैं गर्व को अपनी दुनिया में लेकर नहीं जाऊंगी, तब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि गर्व की जान इस पत्थर में है, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ गर्व भी मर जाएगा। गर्व भी खत्म, तेरा सुहाग भी खत्म, तेरा स्वाभिमान भी खत्म, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस बचेगी तू विधवा गौरी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.